फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को, जो इतना स्ट्रगल और इतने फाइट्स, इतने सारे कॉन्ट्रोवर्सी भी हो रही थी बाहर बहुत सारी, और उसके बाद इतने टॉर्चर्स के बाद भी आप पूरा शो जीत के आए हो, तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं बता सकता हमको, क्योंकि आप विनर हो, तो आप बताइए थोड़ा। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और हाँ, बहुत टफ था, क्योंकि यहाँ 30 बहुत तगड़ा कंटेस्टेंट्स आए हैं, मतलब रोडीज के हैं, इतना तगड़ा फैन फॉलोइंग है, वो सब लोग यहाँ आए और हम उनके अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं, और एक पॉइंट पे पूरा विल्ला हमारे अगेंस्ट था। लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि वी डिडंट लीव द साइड, क्योंकि हमने इस तरह को इतना सपोर्ट किया है, इसलिए हम इतने आगे बढ़े, समझ रहे हो मेरी बात। आई थिंक इफ शी वॉज इन देयर इट बी सो टफ फॉर मी, आई वॉज देयर बी सो टफ फॉर हर, लेकिन हम एक टीम की तरह खेले और पहले दिन से हम काफ़ी क्लियर थे कि विल स्टिक विद ईच अदर एंड विल मेक श्योर वी विल शो नो मैटर। और ऐसा कोई फ्रेंड जो अभी साथ में आए हैं बाहर, और जो जो आपको नहीं पसंद उनके भी नाम ले सकते हो, और जो पसंद है उनके भी नाम ले सकते हो। जो फ्रेंड आपको और भी लोग अच्छे लगे होंगे जो शो में आपके फ्रेंड बन गए और अच्छा वो शो के। ठीक है, हम लोगों ने इनविटेशन सबको दिया था, ठीक है, वीर दिग्विजय शिवेद को नहीं दिया, पर दिग्विजय, उन्नति, लक्ष्य, शुभी, खुशाली, हर्ष सबको दिया था, ठीक है, उनमें से कुछ आ पाए कुछ नहीं आ पाए, बट मुझे अच्छा लगा जितने भी लोग आए, अभी स्टार्टिंग में आगे चली भी गई, बट जितने भी लोग आए थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने इतनी इंपॉर्टेंस दी, हमें इतनी वैल्यू दी कि तुम लोग हमारी पार्टी में आए। एंड सेकेंडली मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि अब शायद आप लोगों को समझ आ पा रहा होगा कि लोग हमारे अगेंस्ट क्यों जा रहे थे स्टार्टिंग में, इतना लाइव में आके ब्रॉडकास्ट में आके हमारे बारे में क्यों बकवास कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था एट द एंड हम लोग विनर्स हैं, और वो लोग चाहते हैं कि हम लोग एक अच्छे विनर्स नहीं दिखाए थे, तो वो अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करते थे ऑडियंस के लिए कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, बट एट द एंड ऑडियंस को पता चला कि वो लोग कैसे और हम लोग कैसे हैं, एंड हम कभी भी किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं इंटरफेयर किए हैं, बट उन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारी चीज़ों में आने के लिए, हमेशा हमारी पर्सनल चीज़ों पर, बट विनर विनर होता है, हम लोगों ने कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, हमेशा स्टैंड आउट किया है, किसी को कॉम्प्लीमेंट किया है, एंड आई एम ब्लेस्ड कि जशवंत मेरा पार्टनर था स्पिरिचुअला में, इसके बिना शायद मैं स्पिरिचुअला नहीं जीत पाती, सो मेरा बिगेस्ट फ्लैग फ्लेक्स जशवंत बोपन्ना है, और अगर आज मैं जीती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जशवंत बोपन्ना की वजह से। और अपने फैंस के लिए दो वर्ड्स, क्या आपके फैंस के लिए जो फैंस बन गए, व्यूअर्स जो थे जो आपको इतना पसंद किए, उनके लिए दो वर्ड बोल रहे हैं। दो वर्ड बहुत कम होता है, मैं एक पूरा ऐसे लिख सकता हूँ उनके लिए, लेकिन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, इतना प्यार दिया है आप लोगों ने हम लोगों के लिए, एंड आप लोगों ने इतना स्पेशल फील कराया ना, लाइक एट वन पॉइंट आकृति और हम लाइक एक दूसरे को देख रहे हैं, स्पेशल कैसे है, इतने भी अच्छी नहीं कि तुम हाँ। अच्छा बनाते हो हम लोगों को, तुम ही लोगों ने हमें बनाया है। एग्जैक्टली, सो थैंक यू सो मच इतने प्यार के सपोर्ट के लिए, और कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।